ये चीज़ मैंने कैसे मैनिफेस्ट की, इस चीज़ की मैं शॉर्ट्स डालूंगी ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि मैं सिखाती हूँ एडवांस मेडिटेशन जिसमें हम इंक्लूड करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, और बहुत छोटी छोटी रहती है, फ्यू मिनट्स रहती हैं, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। और मैं आपके ऑनलाइन टैरो कार्ड के सेशंस भी लेती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बाहर के भी क्लाइंट्स रहते हैं, और मैं अपना अदर वर्क भी करती हूँ, तो दैट्स अ रीज़न इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, टाइम को बैलेंस करने के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेंटेन करके अपनी लाइफ में हर चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है, तो चीज़ें बहुत इजी एफर्टलेस मेंटेन हो जाती हैं। और 21 डेज़ का जो मैं सेशन देती हूँ, उसमें मैं आपके जितने भी टैरो सेशंस भी देती हूँ, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी सेशन देती हूँ, और प्लस उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कॉन्शियस माइंड पावर को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा रहा है कॉन्शियस माइंड पावर को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, और जब आप कॉन्शियस माइंड पावर को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड पावर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पावर में चीज़ें थोड़ा टाइम के बाद जाती हैं, पर कॉन्शियस माइंड पावर इट्स क्रिएट रियली अमेजिंग रिजल्ट, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड पे किसी ने कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ दिस रियली क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट, और ये मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है जो अपने क्लाइंट के संग शेयर करती हूँ, और ये रियली में वर्क करता है, और इसी कॉन्शियस माइंड पावर की वजह से आई रिसीव दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स ब्लेसिंग ऑफिस। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं, और अपने लाइफ पाथ पे आने के लिए मेडिटेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ पाथ पर आई हूँ, बट हाँ कॉन्शियस माइंड पावर ने बहुत अमेजिंग रोल निभाया है। सब कॉन्शियस माइंड पावर को मैं ज़्यादा प्रमोट तो नहीं करूँगी, उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कॉन्शियस माइंड भी बहुत पावरफुल है, और जब हम कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ की जिद ठान लेते हैं, दुनिया में से बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कोई टेक्निक यूज़ नहीं की, उसके बावजूद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क किया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है और ये हमारे बिना कुछ किए भी वर्क करता है, बट इस चीज़ को कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ में अपने गुड कर्मास जब करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फास्ट ब्लेस करता है और आपको अपने लाइफ पाथ पर ले जाता है, ऐसा मेरा तजुर्बा रहा है। मैं ऐसे ही जुड़ी हूँ, और उसमें मेडिटेशन का रोल भी रहा है बहुत बड़ा, और मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है बहुत इजी एंड एफर्टलेस। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले तो बहुत प्लानिंग की थी, बट जब मैंने चीज़ों को बिल्कुल ही सोचना छोड़ दिया कि नहीं, लेट गो कर कहा जाता है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में, तो वो चीज़ जब मैंने की तो विद इन अ वन डे आई रिसीव दिस ऑफिस, बट मैंने वो नहीं, वो तरीके से नहीं किया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, मैंने उसका नया ट्रेंड बनाया। कैसे बनाया, जो अपने क्लाइंट को टैरो के माध्यम से कहती हूँ और जो टैरो कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड आप यहाँ बैठ के देखिए। मैं अपने जैसे कि जब भी मैं सेशन देती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि पास्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो पास्ट कैसे छोड़ जाता है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। अच्छे अच्छे लोग पास्ट को छोड़ नहीं पाते, ठीक है, और पास्ट ही से बहुत कुछ क्रिएट करता है अगेन, क्योंकि क्या होता है, टैरो सेशन भी यूनिवर्स एनर्जी पे चलते हैं, तो जब टैरो सेशन यूनिवर्स एनर्जी पे चलते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अंडर किसके है, यूनिवर्स एनर्जी के, तो यूनिवर्स एनर्जी के संग हम टैरो कार्ड को मिक्स करते हैं तो बहुत इजी वर्क करता है। तो मैंने जब टैरो कार्ड खुद के लिए करती हूँ, मैं तो कई 6 महीने में एक बार मैं खुद के लिए भी करती हूँ, तो जब मैंने खुद के लिए किया तो मुझे कुछ गाइडेंस आया हुआ था, तो उसमें ये था कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसको डिलीट कर दो। डिलीट हो नहीं रहा था, आसान नहीं होता, पर अभी फ्राइडे सैटरडे की बात है, मैं चाह रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत आ गई थी कि मैंने जितनों को भी सेशन दिया था, 590 करीब क्लाइंट्स रहे हैं, तो उनको मैंने सेशन दिया था ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उनका क्या हुआ, सबकी लाइफ में ग्रोथ आई, सबकी लाइफ में प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, मैरिज, काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे अभी बहुत नियर क्लोज में, बहुत नियर मेरे, मतलब मेरे बड़े भैया ही, तो उनका जब हुआ तब फिर मुझे ऐसा लगा कि
कोई भी सिंगल नहीं रहा है, क्योंकि जब मैंने भैया को दिया था तो भैया ने उम्मीद छोड़ी हुई थी कि चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एज भी हो रही है और स्कोप नहीं है और मैं घर ले चुका हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी ये है वो है, तो इंसान ने उम्मीद छोड़ी हुई थी। तो वो चीज़ ऐसी थी कि वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि पहली बात तो मैं पास्ट को डिलीट करूँ, ये जो पास्ट है इसको मैं डिलीट करूँ, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे टैरो से रिसीव हुआ था कि पास्ट को डिलीट करूँ। पास्ट को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, पास्ट को डिलीट करने पे देखिए क्या लिखा है, वी आर द वर्ल्ड। एक्चुअली सिंगल पर्सन चीज़ें क्रिएट नहीं करता, जो भी आसपास के लोग होते हैं इन प्रोफेशनल फील्ड एंड पर्सनल फील्ड, सब लोग मिलकर चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें हमें रिसीव होती हैं, तो वाइब्रेशन जहाँ मिलती है वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये है यूनिवर्स का रूल्स, इसको मेंटेन अगर हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू करें बहुत इजी, उसमें फ्यू मिनट्स लगते हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाएं तो हमको वो स्लीपिंग टाइम को चुनना पड़ता है, मॉर्निंग टाइम को चुनना पड़ता है, दोनों का बैलेंस बिठाना पड़ता है, देन वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है चीज़, गई कि नहीं गई श्योर भी नहीं होता है। तो मैंने कॉन्शियस माइंड को मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि और ये मेरे पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है, 10 ईयर करीब हो रहे हैं मुझे कॉन्शियस माइंड के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, मज़ा भी काफ़ी आता है, क्योंकि चीज़ जब समझ में आ जाती है तो अच्छा लगता है। तो वही टेक्निक मैं सिखाती हूँ और वही टेक्निक को मैं यहाँ पर अपने सीक्रेट के तौर पे बता रही हूँ, तो आप अगर चाहें तो आप भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जब हम जुनून को जगा लेते हैं, जब हम ज़िद्द को पकड़ लेते हैं, जब हम कहते हैं मर जाएंगे पर करके रहेंगे, वो को है कॉन्शियस माइंड। और वो बहुत बहुत फास्ट आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करता, कॉन्शियस माइंड एक्शन लेता है। कॉन्शियस माइंड कहता है भाई करो या मरो, दो चीज़ होती है करो या मरो। तो जब करो या मरो आता है तो करो या मरो में करो वाला ज़्यादा आता है, तो जब करो वाला ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली लाइफ आने लगती है ना, ऐसा होता है। और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आपको लगे दो, जब भी कोई चीज़ आपकी बिग विश पूरी होने वाली होती है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें रुकें, माइनर पॉइंट पे रुकती हैं, तो दो चॉइस आती है, दो चॉइस में से राइट चॉइस को चुनना वो आपकी चॉइस होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का, और ये बहुत फास्ट वर्क रिजल्ट देता है आपकी लाइफ में, किसी भी फेज में हो। और मैं जो मेडिटेशन टेक्निक देती हूँ उसमें मैं ये फेज भी यूज़ करती हूँ, ये फेज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि इट्स बेटर, ये चीज़ अच्छी होती है और ये बहुत फास्ट रिज़ल्ट क्रिएट करती है, तो ये बेटर रहता है। और आपको अगर लगे और चीज़ें आप और जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके थ्रू चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी आपको चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके और सक्सेस स्टोरी के संग और उसको डिटेल में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ज़रूर बेशक।